हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। तो भाई इस वीडियो में हम करेंगे है ना चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी। पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं ना इस पूरी एक सिंगल वीडियो में ना, वन शॉट वीडियो है ठीक है। और इसको हम करने वाले हैं किस बेसिस पर? सीबीएसई के बेसिस पर, कि जिस तरीके से उन्होंने है ना जिसकी मार्किंग रखी है, क्या क्या टॉपिक इसमें से डिलीट हो गए, उन सबको देख कर ही इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल ठीक है। अगर अब तक नहीं पढ़ा है ना तुमने कुछ भी, अब तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है रियल नंबर में, तो ये एक सिंगल वीडियो भी इनफ होने वाली है। जितने क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं उसके टाइप हम थोड़े से पढ़ लेंगे ठीक है ना। और एक सिंगल वीडियो में इस रियल नंबर में जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है चलो। देखो यहां मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना क्या कि जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1, इसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है पहले ना, क्या क्या डिलीट हो गया है। तो हमारी जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो है हमारी 1.1 हमको नहीं आ रही है और 1.4 हमको नहीं आ रही। उसको मैं हल्का फुल्का सा बता दूंगा है ना, उस पर डिटेल में बात नहीं करने वाले, बिल्कुल भी डिटेल में मैं टॉपिक पर नहीं जाने वाला हूं। जो इनफ होगा हमारे बोर्ड के लिए उस पर ही हम बात करने वाले। क्लियर है? चलो तो देखो चैप्टर में हमारे पास जो मार्किंग की स्कीम है ना, ब्लूप्रिंट जो है, जो यानी कि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज करा था उसके बेसिस पर है ना, कि भाई उन्होंने दोनों है ना स्टैंडर्ड और बेसिक में दोनों में ही रियल नंबर के जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं किस मार्किंग पर रखे हुए हैं उस पर बात करेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड में एक वन मार्कर और एक थ्री मार्कर है ना। तो इसमें जो एक वन मार्कर है वो तो एमसीक्यू है ही। एक जो वन मार्कर है उन्होंने असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन डाला हुआ है ठीक है ना, और एचसीएफ और एलसीएम पर बेस्ड है। HCF और LCM पर बेस्ड है, दैट मींस HCF और LCM के क्वेश्चंस ही आने वाले हैं है ना, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिकॉज़ जो फर्स्ट एक्सरसाइज में उसमें यूक्लिड्स लेमा है ना, यूक्लिड्स लेमा, और वो डिलीटेड है ठीक है। और 1.4 जो है वो डेसिमल एक्सपे वो है रिप्रेजेंटेशन है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ठीक है ना। इस पर हम बात करेंगे, पर ज्यादा वो डिटेल में बात नहीं करने वाले, जब मैं टाइप पढ़ाऊंगा बस उसी में कर लेंगे ना। तो ये है हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस है, टोटल 4 क्वेश्चंस है और मार्किंग कितने होगी 3, 4 और 5, यानी कि 5 मार्क्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली तो 5 मार्क्स पक्के हैं, गारंटी है, 100% है ठीक है ना। और सेम अगर मैं बेसिक पर जाऊं तो बेसिक में भी यही हाल है। इन्होंने क्या करा है, वन मार्कर असर्शन रीजनिंग, वन मार्कर एमसीक्यू और एक प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन होने के चांसेस दोनों में बहुत ज्यादा है ना। ये क्या है, सेक्शन सी में उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है प्रूविंग वाला, जैसे √2 है ना, √3 √5 या फिर उनका कॉम्बिनेशन जैसे 5√2+3, व्हिच इज क्लियर। तो टोटल अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो कितने मार्क हो गए, 5 मार्क्स पूरे। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 100% ही है ना सीबीएसई फॉलो करता है, सीबीएसई कभी कभी गड़बड़ कर जाता है ना जो पैटर्न वो देता है उसको, लेकिन फिर भी ना करते करते 85-95% वो उसको फॉलो करेगा है ना, चांसेस हैं। तो अगर आप 80% भी कंसिडर करके चलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है ना। तो अगर आपको इस वाली बात को नोट करना है तो इस वाली बात को नोट कर लो, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ठीक है। पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा कंप्लीट, सब कुछ है ना, जो भी बन सकता है सब कुछ खत्म कर देंगे इसमें। तो इस बात को नोट करना है, इस बात को नोट कर लो, फिर शुरू करते हैं। चलो है शुरू करते हैं ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे कि भाई बहुत ज्यादा जैसे डेप्थ में चले गए नहीं है ना, फटाफट कंप्लीट करनी है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले कि हाँ भाई इससे ये पूछा जाएगा, तो इतनी ही नॉलेज हम गेन करने वाले ठीक है ना। वरना बताने को बहुत कुछ है ना, नंबर्स के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास ठीक है ना। तो बात करते हैं रियल नंबर्स की है ना, रियल नंबर्स ठीक है ना, क्लियर है। रियल नंबर्स बेसिकली क्या होता है कि नंबर सिस्टम होता है ना, नंबर सिस्टम में मैं नंबर्स का अरेंजमेंट करता हूँ, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं ना, तो उन्हीं में से एक नंबर है हमारे पास रियल नंबर्स है ना। एक आप 11th में पढ़ने वाले हैं ना, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे है ना। रियल नंबर्स को मैं जनरली किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल आर से है ना, कैपिटल आर से ठीक है। तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या है ना कि देखो हमारे पास है ना सबके एक प्लेस है, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं रहता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर रहता है। उसी तरीके से नंबरों का भी घर है ना, नंबरों का भी घर है, और वो क्या घर है, ऐसे करके आपने देखा है, ऐसे करके है ना भाई,
क्या कहते हैं इसको, नंबर लाइन, क्या कहते हैं इसको, नंबर लाइन, है ना। ये जीरो हो गया, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज है ना अप टू इंफिनिटी तक इस तरह से, और लेफ्ट में नेगेटिव की तरफ। अगर मैं इसको जूम करूं तो इनके बीच में भी मेरे को बहुत सारे नंबर्स है ना दिखाई दे जाते हैं। ये चीज हमने पढ़ी हुई है नाइन्थ में ऑलरेडी, है ना। तो कोई भी नंबर जो नंबर नाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक रियल नंबर कहते हैं ना। अगर मैं टेंथ के पर्सपेक्टिव से बात करूं, है ना, तो जो भी नंबर आपके माइंड में आ रहा है, जो भी नंबर आपके माइंड में आ रहा है फिलहाल के लिए, वो एक रियल नंबर है। हम एक डिफरेंट टाइप का नंबर पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स, जो 11th क्लास में हम पढ़ने वाले, बट फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके माइंड में जो भी नंबर आएगा वो क्या है फिलहाल के लिए, वो एक रियल नंबर है ना। क्लियर है बात। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, है ना, डेफिनेशन की, एनी नंबर दैट कैन बी represented on the number line, ठीक है ना। कोई भी number जो number line पर आएगा वो real number है ना, generally represented by capital R, ठीक। अब इसी के अंदर है ना, real number के अंदर दो type के number आ जाते हैं, है ना, दो type के number। एक होते हैं rational number, एक होते हैं rational number, और एक होते हैं इरेशनल नंबर्स, एक होते हैं इरेशनल नंबर्स। क्लियर बात। इसकी जरूरत फिलहाल है नहीं तो इसको भी हम हटा देते हैं ना। तो देखो, रैशनल नंबर को मैं जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं और इरेशनल नंबर को मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। इनकी कोई बड़ी वो भी बात नहीं है, इसको भी थोड़ा आगे जाकर सीखेंगे बेसिकली किस क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट फिलहाल के लिए मैं बात करूंगा कि रैशनल नंबर क्या है ना, रैशनल नंबर क्या है। तो देखो, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है ना, क्या भाई डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन कि कोई भी नंबर है ना, रट लेते हैं इसको, कोई भी नंबर अगर p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, है ना। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ p by q। हर जगह डेफिनेशन दिखती है ना ये, तो कोई भी नंबर जिसको p by q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो एक रैशनल नंबर होता है, बट कंडीशन है क्या, q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, एंड p एंड q, है ना, p एंड q आर इंटीजर्स। इसको हम पढ़ेंगे भी क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है ना। और इंटीजर्स क्या है इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोई भी नंबर अगर p by q की फॉर्म में लिखा गया है, p q इंटीजर्स हैं, q जीरो नहीं है, तो वो नंबर रैशनल नंबर होने वाला है। क्लियर है बिल्कुल। चलो देखो, फर्दर मैं बात करूंगा रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, है ना। एक होता है डेसिमल, एक होता है डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन डेसिमल नंबर्स, है ना, डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर्स। तो देखो, डेसिमल मतलब क्या है, डेसिमल मतलब है कोई भी नंबर पॉइंट में हो, और अगर मैं कोई भी नंबरों को पॉइंट में लिखना चाहता हूं ना, तो मैं केवल तीन तरह से ही लिख सकता हूं, केवल तीन ही मेथड है अगर किसी भी नंबर को पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है तो, ठीक है ना। तो उसमें से दो तो इसी के पास है, क्या है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, है ना। टर्मिनेट का मतलब क्या है भाई, टर्मिनेट का मतलब है पूरा खत्म हो गया कंप्लीटली, है ना, बट पॉइंट में, है ना। जैसे मैं बोलू 17 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 26, है ना, 28 आर 16, माइनस करें 7 माइनस 6 1, तो हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, मैंने पॉइंट यहां रिप्रेजेंट कर दिया इस पॉइंट के लिए, यहां पर जीरो आ गया तो 25 आर माइनस कर दिया जीरो। दैट मींस अगर मैं इसको काटना चाहूं तो ये पूरा कट गया, खत्म हो गया, इसके बाद फर्दर सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, और कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो वो एक रैशनल नंबर में कंसीडर किया जाएगा। एक एग्जांपल दे देता हूं, 1.625। तो मैंने कैसे जज किया, मैंने जज किया कि देखो यहां पर इसके बाद ना कोई नंबर यहां पर आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वो नंबर क्या है, वो नंबर टर्मिनेटिंग है। बाकी हम अभी पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे पता लगेगा, है ना, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज उस पर बेस कोई एक्सरसाइज है नहीं हमारे पास, मतलब जो आ रही है ना 1.4।
0.4 फट गई है ना, तो इतना ज्यादा इस पर दिमाग नहीं मारने वाले। चलिए टू, टू है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ना, इसी को रेकरिंग भी कह देते हैं, इसी को भी रेकरिंग भी कह देते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा और साथ ही साथ रिपीट भी होता चला जा रहा है, कुछ फिक्स पैटर्न में रिपीटेशन चल रही है ना। एग्जांपल ले लिया मैंने 1.474747, ये तीन डॉट कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस यहां से वैल्यू सेम पैटर्न पर रिपीट हो रही है और इनफाइनाइट से चलती जा रही है, इनफाइनाइट चलती जा रही है, ठीक है ना। और अच्छा, इसी को अगर मैं लिखना चाहूं ना तो ऐसे लिख सकता हूं 1.47 और 47 के ऊपर बार, जितने डिजिट पर बार है उतनी ही डिजिट रिपीट होती चली जाएंगी, चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, क्लियर है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने नाइन्थ में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो, हम पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कहते थे ना, और वो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो सकता है तो वो रैशनल नंबर है, और हाँ ये वाली फॉर्म एक रैशनल नंबर है। आई थिंक अभी क्लियर हो चुका होगा अच्छे से ना। तो डेसिमल में दो टाइप तो इसके हुए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एक और होता है जो कि इरेशनल में होता है ना, तो इरेशनल में भी दो टाइप के नंबर है मेरे पास, थोड़ा इधर लिखते हैं इसको ना, ऐसे बना देते हैं, यू गेट डेसिमल नंबर और यू गेट नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर यहां पर क्या है, एक ही है यहां पर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब क्या है भाई, नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है ना, और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो मैं कोई पैटर्न जज नहीं कर सकता यहां पर है ना। मैंने कहा एग्जांपल 1.62034505 है ना डॉट डॉट डॉट, मैं नहीं बता सकता कि आगे कौन सी डिजिट आने वाली है बिकॉज मैं पीछे से चेक ही नहीं कर सकता, यहां पर मैं पैटर्न जज कर पा रहा था, 47 था 47 था तो आगे भी 47 लिखा मैंने, यहां मैं जज नहीं कर सकता, ऐसे नंबर को इरेशनल बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्लियर है चीज। अच्छा इसी में बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ना, इसको हम कहते हैं पाई, इसको हम क्या कहते हैं पाई है ना, पी आई है ना, पी आई पाई, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, 22/7 और 3.14, अब ये दोनों ही अप्रोक्स वैल्यूज होती हैं, ये दोनों ही अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिखने में ऐसा लगता है कि भाई दिखने में तो अगर फॉर्म की मैं बात करूं तो रैशनल है ना ये, लेकिन नहीं, ये एक अप्रोक्स वैल्यूज है ना, बोथ आर अप्रोक्स वैल्यूज, बोथ आर अप्रोक्स वैल्यूज है ना। देखो यहां से एक चीज आपको बता देता हूं है ना, थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए, कि अगर आप इसको देखें ना 3.14 है ना, तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा ढंग से बताना चाहूं तो ये बेसिकली एक डे रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पाई डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं पाई डे है ना, पाई डे रिप्रेजेंट किया जाता है इस डेट पर, क्या डेट है ये 14th of March, 14th of मार्च को है ना, सब मिलकर क्या बनाते हैं भाई, पाई डे बनाते हैं जिसमें पाई खाते हैं ना। तो थोड़ा बस जनरल नॉलेज के लिए, और कुछ नहीं, एग्जाम वगैरह में नहीं आने वाला आपको, ठीक है ना। चलो तो इसमें क्या है, नॉन डेसिमल है ना भाई, ये चीज होगी क्लियर, कि अगर मैं डेसिमल में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो केवल तीन फॉर्म है, या तो टर्मिनेटिंग, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ना, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अगर इन दोनों में से कुछ हो तो रैशनल नंबर है, अगर ये हुआ तो इरेशनल नंबर है, क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है ना। अब आते हैं बात करते हैं नॉन डेसिमल नंबर पर है ना, नॉन डेसिमल पर। तो देखो यहां पर मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूं, नॉन डेसिमल के साथ साथ मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि इन सभी का डिनोमिनेटर वन है, इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है, मैं वन लेके चल रहा हूं है ना, वन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं फ्रैक्शन में लिखू ना तो 4/5 वो भी एक रैशनल नंबर है, बट यहां जो मैं नंबर बता रहा हूं है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, जिनका डिनोमिनेटर 1 है ना,
क्योंकि 4/5 को सॉल्व करोगे तो किसमें कंसिडर हो जाएगा, डेसिमल में, है ना। तो फर्स्ट बात करते हैं किसकी, नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की, है ना। अच्छा इसी का दूसरा नाम भी होता है, है ना, इसी का दूसरा नाम भी है, इसी का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर, काउंटिंग। इसको थोड़ा सा साफ साफ बना देते हैं ऐसे। तो इसकी जरूरत तो आई गेस हो गई ना, तो करना है तो कर लो नोट, नहीं तो इसको रब कर देते हैं फिलहाल के लिए। मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ कि भाई एग्जांपल के लिए पाई, ठीक है। नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर, है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, है ना, कैपिटल एन से, ठीक है। तो देखो काउंटिंग नंबर वह है जो काउंट करने के काम आ रहा है ना। मैंने बोला कि भाई क्लास में कितने बच्चे थे, स्टार्टिंग कहां से करूंगा, 1 2 3 4, मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे, 1 2 3 4, तो मैं 1 से स्टार्टिंग करता हूं, तो ये जाएगा 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, है ना। थ्री डॉट्स कॉन्टिन्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होल नंबर्स, इसको मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं, है ना। नेचुरल नंबर के साथ साथ एक नंबर और ऐड हो गया जीरो, तो जीरो से स्टार्टिंग करती है, 0 1 2 3 4, ये कंसीडर किए जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है ना। थर्ड, तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, जी हाँ होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, नहीं, क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। थर्ड आता है मेरे पास इंटीजर्स, इंटीजर्स इसको मैं आई से, है ना, या फिर जेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसमें सारे नेगेटिव नंबर है ना, तो मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं ना, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, काम करते हैं, उधर के लिए स्पेस बच जाएगा, तो ये मैं इसको लिख देता हूं, अरे हट जाओ भाई, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 ... है ना, इस तरह से पॉजिटिव सारे, नेगेटिव सारे, इंक्लूडेड जीरो, वो सारे नंबर हो जाते हैं मेरे पास इंटीजर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ आते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, है ना, प्राइम, है ना, जैसे ऑप्टिमस प्राइम, नाम तो सुना है ऑप्टिमस प्राइम, कौन कौन कार्टून देखता है भाई, सुना है, चलो प्राइम है ना, खुद ही में यूनिक बात होती है, टॉप, है ना, टॉप मोस्ट। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एनी नंबर, है ना, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, एंड इटसेल्फ मतलब ऐसा नंबर जो वन से डिवाइड होता है खुद से डिवाइड होता है ना, ऐसा नंबर जो वन से डिवाइड होता है खुद से डिवाइड होता है, ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूं ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर है, वन और वो खुद, ठीक है ना। तो मैं अगर बात करूं यहां पर, है ना, क्वेश्चन की, तो स्टार लगा के, है ना, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना, ज्यादातर बच्चे वन बोल देते हैं, बट नहीं, दो, है ना, वन का खुद एक ही फैक्टर है वन, है ना, तो वही यूनिक नंबर है, नेचुरल नंबर है, बट वो प्राइम में कंसिडर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक चीज और है, ओनली ओनली इवन प्राइम नंबर है, मतलब जितने भी और कोई भी प्राइम नंबर है ना, उनमें से कोई भी इवन नहीं है, ये अकेला एक इवन प्राइम नंबर है, जितने भी बाकी सारे हैं वो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना। फाइव आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। तो देखो ये प्राइम का जस्ट अपोजिट है, कंपोजिट, है ना, कंपोजिट मतलब कंपोजिशन, मतलब क्या हुआ, कंपाउंड, मतलब इकट्ठा कर कर बना दिया। तो ऐसा नंबर है ना, ऐसा नंबर जो दो से ज्यादा नंबरों से डिविजिबल है ना, नंबर, है ना, डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स, डिविजिबल बाय बाय मोर देन टू नंबर्स, क्लियर है चीज बिल्कुल, है ना। तो जगह बच्चे की, चलो इधर, है ना, बना देते हैं इसको, नंबर डिविजिबल बाय मोर देन टू नंबर्स, ठीक है ना, मोर देन टू नंबर्स, ठीक है। तो क्या है इसमें, अगर मैं पूछता हूं स्मॉलेस्ट
है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो वो होता है 4, है ना, तो हो जाएगा 4। क्लियर है चीज? लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो देखो 4 तो इवन है ना, उसके बाद 5 तो प्राइम है, 6 मेरे पास क्या हो गया, 6 कंपोजिट है बट वो इवन नंबर है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर मैंने यहां लिखे नहीं है, देखो है ना, इवन नंबर वो नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है, ऑड नंबर वो है जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, चलो वो लिखवा देता हूं मैंने, कहां लिखवाएं, चलिए यहां लिखवा देते हैं, ऊपर लिखवा देंगे अभी ना या फिर अभी लिखवा देंगे। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है 9, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं को प्राइम नंबर, 4 5 ये हो गए को प्राइम। देखो एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है ना हमारे पास 1.2 में, एक होता है ये को प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इरेशनलिटी प्रूफ करने के काम आते हैं को प्राइम नंबर्स, है ना। तो बेसिकली ऐसे नंबर्स है ना, ये प्राइम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर एक खुद की खासियत है, तो को प्राइम नंबर दो नंबरों के बीच का रिलेशन रिप्रेजेंट करता है ना, प्राइम नंबर खुद की ही खासियत है कि भाई एक नंबर है वो दो ही नंबरों से डिवाइड हो सकता है, खुद से और वन से, ठीक है। वहीं पर जो को प्राइम नंबर है वो दो नंबरों के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ वन कॉमन हो, ठीक है ना, और कुछ नहीं। मतलब जैसे मैं अगर लिखूं 14/30 लिख दिया मैंने, तो इस नंबर को मैं सॉल्व कर सकता हूं, मतलब इनको डिवाइड कर सकता हूं किससे, 2 से, 7 × 10 = 15। अब मैं इनको नहीं डिवाइड कर सकता, है ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें दो कॉमन था इसलिए डिवाइड हो गया, बट यहां पर सिर्फ वन कॉमन है और कुछ नहीं, इसलिए इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, और 15 प्राइम है नहीं यहां पर, तो जरूरी नहीं कि प्राइम हो, है ना, जरूरी नहीं कि प्राइम हो। तो क्या चीज है इसके लिए, 2 or more than 2 नंबर्स हैविंग 1 एज कॉमन फैक्टर, बस, है ना। तो यहां पर एक छोटी सी बात है ना, एवरी कॉन्सिक्यूटिव ना, पेयर ऑफ एवरी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम्स। आप कोई भी नंबर ले लो, 1 के बाद 2 तो 1 2 को प्राइम, 2 के बाद 3 2 3 को प्राइम, 3 के बाद 4 3 4 को प्राइम, क्योंकि एक इवन एक ऑड है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर। चलिए और कोई इससे नंबर में, एक इवन ऑड की मैं बात कर रहा था बस ना, तो थोड़ी जगह कम पड़ रही है ना, मैं लिख देता हूं इवन, ये है 6 7 इवन नंबर, ये कौन से नंबर होते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो इनका जो फॉर्म होती है ना वो होती है 2 क्यूब। किस फॉर्म में होते हैं, 2 × सम अदर इंटीजर, दो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, और पॉजिटिव है ना, क्यू वेरी वेरी क्यू इज पॉजिटिव इंटीजर, और ऑड की मैं बात करूंगा तो ऑड इंटीजर, है ना, ऑड नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर, सो दिस इज व्हाट, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, क्लियर है चीज। तो ये है मेरे पास, तो टोटल सारे नंबरों की बात ही, अच्छा एक चीज और मिस हो गया, पता है एक मिस हो गया, बस इसको बात कर लेते हैं कि बेट क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर नॉन डेसिबल फॉर्म है ना, नॉन डेसिबल मतलब पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो देखो कोई भी नंबर अगर रूट में है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, कोई भी नंबर अगर रूट में है बट कंडीशन है कि क्या, व्हाट, एन है ना, ये जो भी नंबर है एन इज नॉट अ स्क्वायर और अ परफेक्ट स्क्वायर है ना, देन रूट एन इज एन इरेशनल नंबर है ना। अगर रूट के अंदर कोई नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो एक इरेशनल, देखो अगर मैं लिखूं रूट 16 तो 16 4 का स्क्वायर है तो बाहर अगर 4 हो जाएगा तो ये इरेशनल नहीं है ये, लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं है ना रूट 15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये पूरा नंबर एक इरेशनल नंबर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो नंबरों के बारे में जो है सारा लिखा जोखा वो ये है सारा, है ना। अब कुछ हमको इसके बारे में पढ़ना है ना, किस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, कुछ टॉपिक्स हैं उन पर बात करने वाले, ठीक है।
तो इसको पूरा फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने यहां पर कुछ लिख लिया है ना, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है ना। थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, इसको यूनिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहा जाता है ना। बेसिकली क्या चीज है, कह रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर है ना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, है ना, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, वही नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, है ना, बात को समझते हैं। कह रहे हैं कोई भी कंपोजिट नंबर आप उठा लो, है ना, उसके फैक्टर्स आप ढूंढिए, है ना, कोई भी नंबर उठा लीजिए, उसके सारे फैक्टर्स आप निकाल लीजिए और उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दीजिए, वही है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहा ठीक है भैया काम करते एक नंबर ले लेते हैं, मैंने लिया एक नंबर 48। कह रहे हैं उसके प्रोडक्ट, उसके फैक्टर्स ढूंढ लीजिए, है ना, प्राइम फैक्टर्स। मैंने कहा देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हुआ 24 टाइम्स, 2 से डिवाइड हुआ 12 टाइम्स, 2 से डिवाइड हुआ 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड हुआ। तो अगर मैं 48 को लिखना चाहूं तो मैं 48 को ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 × 2 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 और ये 2 एक और है ना 2 ऐसे, तो ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 48 इज व्हाट 2 raised to the power 4 × 3। तो इसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कोई भी नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, फैक्टराइजेशन बेसिकली एक क्या बात है कि कोई भी है ना, कोई भी पॉलीनोमियल या कोई भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, जो भी उसके फैक्टर्स है उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन है। तो ये भी उसी वाले में बात कर रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई गेस ये बात क्लियर हो गई होगी ना। लेकिन इन्होंने कुछ बात और बोली यहां पर, है ना, क्या बोली है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, है ना, मतलब क्या हुआ, इन विच दे अकर, कि उनका कोई भी ऑर्डर उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमेशा क्या होती है, ये यूनिक होती है। यूनिक मतलब अगर 48 के प्राइम फैक्टर ये हैं तो किसी और नंबर के प्राइम फैक्टर एग्जैक्टली ऐसे नहीं हो सकते, समझ में आई बात, इस बात को हम यूनिक बोलते हैं ना। और ऑर्डर की बात वो कर रहे हैं भाई, किसी का मन है, किसी के दिमाग में नहीं आया कि भाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं, कोई बोलेगा मेरे को तो 3 से डिवाइड करना है पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लो 3 से कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करा तो 1 टाइम और 6 टाइम्स, फिर 2 से चला जाएगा 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, और फिर 2 से, ध्यान से देखो यहां पर भी 2 4 टाइम्स आ रहा है, मतलब यहां से अगर मैं निकालूंगा इसको तो ये जाएगा 48 = 3 × 2 raised to the power 4। ये बात और ये बात बिल्कुल सेम है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता पोजिशन से, ये चीज ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगी और उनकी है ना फैक्टर्स की पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है हमको। ये चीज क्लियर है कि नहीं है। तो इन शॉर्ट कह सकता हूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके है ना प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्यों कर रहे हैं, वाई है ना, वाई टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं बनती इसमें, ठीक है ना। चल नेक्स्ट है फैक्टर ट्री, है ना, फैक्टर ट्री कह रहे हैं, फैक्टर ट्री क्या है, फैक्टर ट्री कह रहे हैं कि अ चेन ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्री, मतलब कोई भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसको एक ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, उसी को हम कहते हैं फैक्टर ट्री। मैं बताता हूं एग्जांपल लेकर ही ना, मैंने एक ऐसे बॉक्स बनाया, फिर एक इधर बना दिया, फिर एक इधर बना दिया, फिर इधर बना दिया, और फिर इधर बना दिया, ठीक है ना। तो चलो मैं कुछ नंबर्स लिखते हैं वहां पर, मैंने लिखा है यहां पर 3, ये लिख दिया 6, ठीक है, ये लिख दिया ऐसे, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, कह रहे हैं ये जो बॉक्सेस है इनको आप फिल कर दीजिए, है ना, इनको आप फिल कर दीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये एक बॉक्स है, इसमें से मैंने ये दो ब्रांचेस निकाली है ना, ये दो ब्रांचेस जो हैं वो इस नंबर का फैक्टर होंगी, है ना, ये जो दो ब्रांचेस हैं ये इसका फैक्टर होंगी, मतलब
इसके दो पार्ट करूंगा तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा और ये प्रोडक्ट की फॉर्मूला है ना, यानी कि एक ऐसा नंबर यहां लिखना है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, तो इन शॉर्ट में इसको और इसको डिवाइड कर लेता हूं, है ना भाई। तो देखो ना, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, अब 2 यहां लिखो तो 3 इंटू 2 6 ही तो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा, तो इसका मतलब है इसको और इसको डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 42 को 6 से डिवाइड करो 7 आएगा, या फिर भाई तेज दिमाग चला लो 6 इंटू 7 42, है ना। तो फिल करने के लिए आता है, इसको हम कहते हैं फैक्टर ट्री। आई थिंक ये भी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ही मैं एक चीज लिख देता हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। बेसिकली ये सिलेबस से हट गई है ना, तो चाहो तो इस वाले पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैं बस ये बता रहा हूं कि ये कहते हैं कि भाई कोई भी लेमा एक स्टेटमेंट है ना, जो प्रूफ करने की यूज होती थी, है ना, क्योंकि यूक्लिड जी का बहुत हाथ है मैथ के अंदर, तो इस वजह से उसको बता रहा हूं। ये कहते हैं कि कोई भी नंबर है ना, मैंने कहा कोई नंबर ए है, उसको डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर बी से, तो सम क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। इन चारों में जो रिलेशन होता है उसी को इन्होंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा। तो बेसिकली ये डिवाइजर, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, इन चारों का जो रिलेशन होता है वो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर होता है, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो जीरो से छोटा नहीं हो सकता और कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा छोटा होगा ना डिवाइजर से, क्योंकि मान लो यहां पर 5 है ना डिवाइजर और रिमाइंडर भी 5 आ गया, तो मैं 1 टाइम करके कैंसिल कर दूंगा उसको। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये है हमारे पास, है ना। तो अभी हम करेंगे कि भाई एचसीएफ है ना, इसका यूज करेंगे और कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो इस वाली बात को फटाफट से नोट कर लो। चलिए भाई, एचसीएफ है ना और एलसीएम की बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, है ना। जो उन्होंने सैंपल पेपर में रिलीज करा है उसके अंदर उन्होंने जो वन मार्कर क्वेश्चन दिया और सजेशन रीजनिंग का भी, उसमें क्या क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये आना चाहिए। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसी का एक दूसरा नाम भी होता है ना, जिसको हम बोलते हैं जीसीडी, जीसीडी ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, देखो ना, इसको फाइंड भी करने का तरीका बताएंगे, बट ये है क्या ना? देखो, अगर कहीं पर लिखा जाता है ना इट डिवाइड्स, मैं शॉर्ट में बोलता हूं व्हाट इट, व्हाट इट डिवाइड्स, अगर कहीं ये लिखा गया है तो समझ लो बात किसकी चल रही है, बात चल रही है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ की। ये क्या होता है कि मेरे पास कोई नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी नंबर्स हैं, ये ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है ना, ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो सारे दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर देता है ना, सारे नंबरों को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक सा बता दो ना, ये कहते हैं कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है भाई, 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। कह रहे हैं इनका एचसीएफ ढूंढकर बताइए, इसका एचसीएफ। तो देखो, ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड करे, देखो समझो, 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से और 2 से, 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से और 4 से, इनमें कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और 2 कॉमन है, उन कॉमन फैक्टर में कौन बड़ा फैक्टर है, 2 बड़ा फैक्टर है, दैट मींस इनका जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर मैं बात करूं तो इट डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाय मतलब अगर होती है कि बात की कहीं लिखा गया है कि डिविजिबल बाय, एक नंबर ढूंढना है विच डिविजिबल बाय, तो वो डिविजिबल बाय किसको रिप्रेजेंट करता है, एलसीएम को।
क्योंकि HCF दिए हुए नंबरों को डिवाइड करता है, वहीं पर LCF दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाता है ना। तो ऐसा सबसे था, दिखने में ये है ना, दिखने में बोल देते हैं लो वेस्ट बहुत होता बड़ा नंबर है दिखने में, है ना। तो मैंने कहा यही चीज ले लेता हूं मैं, है ना, दो और चार, टू एंड फोर। ऐसा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए, इसको मी कहते हैं, है ना। तो देखो मैं इनकी टेबल पढ़ता हूं, टू की टेबल है ना। टू वन्स इज टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स, टू फोर्स आर एट, टू फाइव्स आर टेन, है ना, डॉट 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 चलता चला जाएगा। फोर की टेबल, फोर वन इज फोर, फोर टूज आर एट, फोर थ्रीज आर ट्वेल्व, फोर फोर्स आर सिक्सटीन, ठीक है, समझते हैं। देखो इन दोनों में सबसे पहला नंबर है ना जो दोनों के टेबल में है, फोर है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि और नंबर नहीं आ सकते, और नंबर भी आ सकते, देखो एट भी है, लेकिन जो सबसे पहले अकर हो जाए दोनों के टेबल में उसको उसका एलसीएम कहा जाता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा फोर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? लेकिन भाई बड़े बड़े नंबर आएंगे तो टेबल थोड़े बढ़ने वाला हूं मैं, वहां पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है चलो, तो मैंने कहा एक दो नंबर ले लेते हैं, है ना, दो नंबर। अच्छा इसमें एक ही चीज पहले बता देता हूं ना, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इफ इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, मैंने कहा ए और बी क्या है, दो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर है ना, अभी बताया जिसके में केवल वन कॉमन है, तो बताओ उनका HCF और उनका LCM क्या होगा, उनका HCF और उनका। तो देखो बच्चों अगर को प्राइम है तो कॉमन वन के अलावा कुछ है नहीं, तो और भाई HCF क्या होता है, वो कॉमन फैक्टर जो दोनों में है और सबसे बड़ा। अब इसमें कॉमन ही वन है तो क्या बड़ा और क्या छोटा, तो को प्राइम नंबर के अंदर जो HCF होता है वो हमेशा वन होता है, और वन के अलावा कुछ और नहीं है, तो LCM जो होगा वो उन्हीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट होता है हमेशा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लू, मैं बोलूं कि भाई मेरे को बताओ तीन और चार, इनका HCF बताओ, तो आप देख लो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा वन के अलावा, तो इनका जो HCF हो जाएगा इज वन, और जो इनका LCM हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 12। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो हमको थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इस पर ना भाई, तो ठीक है चलो। अच्छा जब बात आई तो इसका लास्ट टॉपिक भी है ना इस पर रिलेटेड, हम फटाफट कर ही लेते हैं। क्या है वो है एक रूल, एक रिलेशन है ना, एक कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांस है कि बहुत ज्यादा चांस है कि वन मार्कर का HCF LCM का बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा। ये रूल होता है कि दो नंबर हैं अगर, है ना, दो नंबर है ए एंड बी, है ना, टू नंबर्स है ना, टू नंबर्स ए एंड बी, मैंने कहा ए दो नंबर है ए और बी, तो उनका HCF जो भी आएगा और उनका LCM जो भी आएगा, उनका प्रोडक्ट बराबर होगा उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। ये चीज हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नंबरों का HCF और LCM का प्रोडक्ट उन नंबरों के ही प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। चलो तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ना इसी इन सब चीजों के लिए। एक एग्जांपल मैंने बोला एक नंबर है 120, एक नंबर है 144, ठीक है। तो आपको बताना है HCF और LCM क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेना 120 के, तो फैक्टर निकालते 120 किससे डिवाइड होगा, 2 से 60, 2 से 30, 2 से डिवाइड करूंगा कितने 15 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करूंगा 5 टाइम्स। दैट मींस अगर मैं 120 की बात करूं, है ना, तो 120 कैसे लिखा जा सकता है भाई, 120 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। उसके बाद करते हैं बात 144 की, तो ये जाएगा 2 से 72 टाइम्स, फिर जाएगा 2 से 36 टाइम्स, फिर जाएगा 2 से 18 टाइम्स, फिर जाएगा 2 से 9 टाइम्स, फिर जाएगा 3 से, और फिर जाएगा अगेन 3 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है देखो 2 3 4 टाइम्स आ रहे हैं, है ना, तो 144 को लिख सकते हैं 2
2 की पावर 4 इंटू 3 का, ये चीज क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये भी इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब मुझे HCF और LCM अगर ढूंढना है इसका, तो देखो कैसे करना है ना, बहुत बेसिक सी बात है। HCF होने के लिए ना कॉमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनके अंदर जो भी कॉमन है उसको देख लो, जैसे दो इधर भी है दो इधर भी है, तो दो कॉमन हो गया। उस कॉमन में भी जो उनकी पावर कॉमन जो फैक्टर होंगे, उनकी लोवेस्ट पावर जो होगी वो मेंशन कर दूंगा। तो यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, लोवेस्ट हो गया पावर 3 बस इनटू। और कुछ कॉमन है? बिल्कुल हाँ, 3 कॉमन है, लोवेस्ट पावर 3 की कौन सी है? 1, तो ये 3 हो गया। दिस इज दी HCF, है ना, प्रोडक्ट करके सॉल्व कर लेंगे बात, मतलब कर लेना आप, है ना, इसमें मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 3 8 into 3 24, ठीक है। LCM, LCM को में क्या है, LCM में कुछ देखना नहीं है, LCM में कॉमन वन का लेना देना नहीं है। LCM में तो बस ये देख लो जो भी फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो यहां पर 2 है, 2 की पावर 4 हो गई, 3 की पावर हाईएस्ट 2 हो गई, और 1 5, तो भाई है देखो कॉमन है या नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है LCM के अंदर। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई ये बताइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। मैं एक एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, है ना। मैंने बोला एक नंबर है ए, पी क्यूब, है ना, पी क्यूब, क्यू स्क्वायर और आर की पावर 4। एक नंबर है बी, पी स्क्वायर, क्यू क्यूब, आर की पावर 3। मैं कह रहा हूँ HCF ढूंढो इसका। तो देखो HCF में क्या, HCF में कॉमन होना जरूरी है, है ना। एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ, तभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि फिर HCF वाली बात क्लियर हो जाएगी ढंग से। कॉमन होना जरूरी है, तो P कॉमन है, P कॉमन, हाईएस्ट लोवेस्ट पावर कितनी है 2, दोनों में Q कॉमन है, Q, लोवेस्ट पावर कितनी है 2, R कॉमन नहीं है, नहीं लिखूंगा, है ना। LCM कॉमन है नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, सबके हाईएस्ट पावर, तो P, P की हाईएस्ट पावर 3, Q की हाईएस्ट पावर 3 और R की हाईएस्ट पावर 4। ये है HCF और LCM, तो इस पर बेस्ड ये चीज याद रखनी है अच्छे से, बिल्कुल, है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। और चांस है बहुत ज्यादा कि इस पर बेस्ड या फिर वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है इसका, ठीक है ना। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, HCF और LCM की बातें। देखो इसमें एक है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करने का, है ना। कॉम्पोजिट नंबर क्वेश्चन आता है, प्रूफ दैट, है ना, द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। मैं बता देता हूँ, मैंने कहा चलिए मैंने ले लिया 3 × 17 × 1 11 प्लस 17, कहते हैं चेक करके बताइए ये नंबर जो है कंपोजिट है या फिर नहीं है, ना, सीधा क्वेश्चन। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो उसमें सॉल्व नहीं करना, बस देखकर बताना है यहाँ पर। तो आप ऐसे होगा तो कंपोजिट है, बट करना क्या है समझो। मैंने कहा ठीक है भाई देखते हैं। देखो ये 17 कॉमन है, और आपको एक नंबर दिया जरूर होगा जो कॉमन होगा, कॉमन ले लिया, बचेगा 3 × 11 + 1। इसको सॉल्व करूंगा तो 17 × 3 × 11 = 33 + 1, और सॉल्व करूंगा तो 33 और ये 34, तो 17 × 34। देखो जो ये नंबर है उसको ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में हुआ, यानी कि ये दोनों तो फैक्टर है ही है, प्लस 1 भी फैक्टर होगा होगा, है ना भाई। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, एनी नंबर, है ना, विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, तो वो फुलफिल कर रहा है। सो हाँ, लिखूंगा कैसे ना, है ना, सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, 2 factors, therefore, ऐसे ही लिखना है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरा आंसर भी उसी लैंग्वेज में होना चाहिए, ऐसे लिख के नहीं छोड़ूंगा, ये लिखूंगा 3 × 17 × 11 + 17 is a composite number। दिमाग में आई बात या फिर नहीं आई, है ना। तो 1.2 में क्वेश्चन है, इसके ऊपर दो क्वेश्चन है बेसिकली, एक ही में दो पार्ट जोड़ दिए थे उन्होंने, ठीक है। ये टॉपिक है, एंड देन एक टॉपिक है वो लिखते हैं, है ना, कि भाई सम नंबर मैंने लिया 6 raised to the power n, है ना, कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट। कह रहे कि कोई नंबर दिया हुआ है उसकी पावर n है, कुछ भी पावर लिखता रहा, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिखता रहूं, तो क्या कभी एंड होगा 0 से, क्या कभी एंड होगा 0 से, ये पूछ रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, तो देखो कोई भी नंबर उठा लो,
कोई भी नंबर उठा लो जिसके एंड में जीरो में नंबर है 50, तो इसका मतलब है 5 × 10। और इस 10 की मैं बात करूं तो जिसके एंड में रिटर्न है 5 × 2, सो 5 × 2 मैंने लिखा 30, तो 3 × 10, तो यानी कि 3 × 5 × 2। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी नंबर जिसके एंड में जीरो है तो उसमें 10 मल्टीप्लाई होगा, और अगर 10 मल्टीप्लाई है तो उसके फैक्टर होते हैं 5 और 2। मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स में 5 2 दोनों मौजूद हैं, उसी के एंड में जीरो होगा, और उसी की कितनी पावर करता रहूं आंसर जीरो होगा। बात क्लियर है? तो यानी कि मुझे फोकस करना है किसके ऊपर, इस नंबर पर। तो कैसे लिखूंगा, 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3। और भैया यहां पर क्या दिख रहा है मुझको, 5 की पावर के है कहीं, 5 कुछ है, देखो 0 नहीं देखूंगा, नेचुरल नंबर है देखूंगा बस, है ना। वरना बच्चे करते हैं 2 × 5 की पावर 0 है तो सही ना, होना चाहिए यहां पर 5 की पावर 1 होनी चाहिए कम से कम, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सेना सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, ये जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर में है ना, इज नॉट ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म 2 raised to the power n और 5 raised to the power n। अगर 2 और 5 हो, है ना, दोनों तो ही एंड करेगा जीरो से, वेयर n एंड n क्या होने चाहिए, आर नेचुरल नंबर्स, आर नेचुरल नंबर्स, है ना। होल नंबर होंगे तो मैं तो जीरो कर सकता हूं ना, 5 की पावर 0 तो होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी हो रहा है, तो ये होना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मेरे पास तो आपको क्या देखना है, आपको केवल इसके प्राइम फैक्टर करने, वहां अगर 5 2 दोनों हैं तो पावर भी जीरो से एंड करने वाली है, जो भी पावर करूंगा, है ना, 1 2 3 4 5 जो भी करूंगा पावर, उससे जो भी आंसर आएगा वो एंड करेगा जीरो से। आई थिंक अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या है हमारे पास, ओके, इसी में ना टर्मिनेटिंग वाले कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं, है ना। थ्योरम्स हैं, थ्योरम के नाम मैं लिख नहीं रहा क्योंकि उतना भी रिलेवेंट नहीं है, बट शॉर्ट में कि अगर मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर है ना, कोई भी रैशनल नंबर है, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो देखो ये दो ही हो सकता है, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स करूंगा ना, फैक्टर्स ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n और 5 raised to the power n, और यहां पर m और n होल नंबर्स हैं, यहां पर नेचुरल नंबर्स हैं ना, है ना, वेयर m है ना, और इंटीजर्स ये होल नंबर में क्या बोलूंगा ना, तो इनको लिखने की भी जरूरत है नहीं इतनी खास हमको, क्योंकि हमको एग्जाम में नहीं आने वाला, टर्मिनेटिंग हट चुका है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि अगर मेरे पास है ना जो भी नंबर है रैशनल, उसका जो भी डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में ये दोनों या फिर इनमें से कोई एक एग्जिस्ट करता है ना, देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग, है ना, एल्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अगर मुझको केवल नंबर को देखना है ना कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है, तो मैं केवल उसके क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करूंगा, अगर उसमें 2 5 दोनों है या दोनों में से कोई एक है तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, वरना नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना। इसी में बेसिकली पूछ लिया जाता है कि कोई भी नंबर है ना, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 डिवाइडेड बाय, मैंने बोल दिया 625, कह रहे बताइए कितने डेसिमल प्लेसेस बाद ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो मैं कैसे जज करूंगा, मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लूंगा, तो 625 है ना, 25 का स्क्वायर होता है और 5 की पावर 4 होता है, ठीक है ना, तो हाँ 5 है, बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर पूछे कितनी डेसिमल प्लेसेस,
तो 5 और 2 में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही मेरा आंसर होगा। बेसिकली क्या करता हूं मैं नीचे 10 बनाता हूं, तो 2 की पावर 4 नीचे मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे हो जाएगा 5, है ना, 5 की पावर 4 2 की पावर 4। हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है ना, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है, a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n, सो दोनों का प्रोडक्ट पावर n, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 5 into 2 की पावर 4। और इस बात का मतलब अगर मैं बोलूंगा तो 5 into 2 10 बन जाएगा, तो इन शॉर्ट 10 की पावर 4। तो नीचे अगर भाई 10 आ जाएगा है ना, तो मैं कभी डिवाइड नहीं करता, मैं बस ये देख लेता हूं कितने जीरोज हैं, तो उतने डिजिट काउंट करके डेसिमल प्लेस कर देता हूं। ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। तो बेसिक इसमें तो इतना कुछ नहीं है, है ना, करने वाला हमको एग्जाम में, हमको ये दोनों चीजें आनी चाहिए, है ना। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास, इरेशनलिटी वाला, बस वही है, इसके अलावा जितना भी है ना, यही था। कोई डाउट इसके अंदर, इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, तो लास्ट टॉपिक है हमारे पास ना, है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास प्रूविंग का आएगा, है ना, इरेशनलिटी वाला, जो कि चांस है बहुत ज्यादा सेक्शन सी में 3 मार्कर का होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं, थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम कह रही है 1.3, कह रहे हैं लेट पी बी ए प्राइम नंबर, कह रहे हैं पी कोई प्राइम नंबर है ना, अगर कहते हैं कि पी डिवाइड करता है किसी नंबर ए स्क्वायर को, ना किसी नंबर के स्क्वायर को, तो कह रहे हैं पी डिवाइड करेगा उस नंबर को भी, और यहां पर पी कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, समझ नहीं आया, कह रहे हैं कि कोई प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जिसका वो स्क्वायर है ना वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, समझते हैं। मैंने बोला 16 को डिवाइड कर रहा है 2, 16 को डिवाइड कर रहा है 2, कर रहा है ना ये, तो 16 जिसका स्क्वायर है ये उसको भी डिवाइड करेगा, तो 16 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 का, तो क्या 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये पहली वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं बोलूं कि भाई 15, और 15 का किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं यहां पर, है ना, तो ये पहली कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही तो दूसरी को नहीं देखूंगा, बात समझ में आ रही है। मैंने बोला एक नंबर ले लिया 729, इसको 3 डिवाइड करता है, करके देख लो, डिजिट ऐड करके देख लो, है ना, डिजिट ऐड करके सम करके चेक कर लेते हैं, तो 729 को 3 डिवाइड कर रहा है, 729 जिसका स्क्वायर है तो 27 का स्क्वायर है, तो क्या भाई डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इस वाली बात को वो कह रहा है ना, मैंने कहा 225 को 5 डिवाइड करता है, तो 225 जिसका स्क्वायर है तो ये 15 का स्क्वायर है, तो देख लो डिवाइड करेगा, ये चीज क्लियर हुई के लिए। तो ये कह रहे हैं कि कोई प्राइम नंबर है पी, वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहां पर एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है प्रूफ करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट और बहुत ज्यादा जरूरी है, समझो बात को। मैंने कहा 12 इज डिविजिबल बाय 2, है ना, तो इधर लिख देते, चलो 12 इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या मैं इसको 2 into 6 लिख सकता हूं। 15 इज डिविजिबल बाय 3, 3 into 5 लिख सकता हूं। 18 3 into 6 लिख सकता हूं, और मैंने बोल दिया चलो 16 2 into 8 लिख सकता हूं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझो कि कोई नंबर है अगर वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर इंटू सम अदर इंटीजर लिखा जा सकता है, जैसे 15 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 into 5 कुछ एक नंबर, 18 3 से डिवाइड है तो 3 इंटू सम अदर इंटीजर, 16 2 से डिवाइड है तो 2 सम अदर इंटीजर, उसी तरह से अगर इसको वेरिएबल में लिखना चाहे, मैंने कहा भाई पी है ये 5 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब है इसके अंदर 5 तो होगा ही होगा, इंटू में कुछ एक अदर इंटीजर होगा, मैंने लेट सपोज सी कर लिया, कुछ भी कर लो ए बी सी डी, ये चीज क्लियर है या फिर नहीं है। मैंने क्या क्यू इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 हो गया, इसके साथ एक अदर इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिया, लो ए कर दिया, ये चीज आपको आनी चाहिए, वरना होता क्या है ये टॉपिक रट लेते हैं सीधा सीधा के भाई सेम टाइप के तो क्वेश्चन है, फटाफट रट लो और बीच में कुछ भूल गए तो बस खेल खत्म, ठीक है ना। तो इस छोटी सी बात को नोट कर लो,
उसके बाद प्रूफिंग, वैसे इसमें नोट तो कुछ करना है ही नहीं, चलो रब कर देते हैं फिर, ठीक है ना। तो हमारे पास सब प्रूविंग वाला सेक्शन रह गया, बस एक लास्ट टॉपिक है ना। तो मैं कहता हूं कि भाई क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो देखो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व, है ना। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास कह सकते हो, है ना, अपोज, है ना। तो मैं इसको एक छोटे से लॉजिक से समझाता हूं। मैंने कहा कि भाई मैंने एग्जाम में क्वेश्चन करा, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन करा मैंने, वो क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का था, है ना। मैंने आंसर लिख दिया ट्रू, मैंने क्या करा, आंसर लिख दिया ट्रू, एग्जाम में आंसर लिख दिया ट्रू। लेकिन जब मैं घर आया और घर पर आके मैंने चेक किया तो मेरा आंसर ट्रू नहीं था, मेरा आंसर ट्रू नहीं था, मेरे पास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आया, मैंने उस पर ट्रू सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब मैं घर पर आया कॉपी देखी डिटेल चेक करी तो आंसर ट्रू नहीं आ रहा था। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन दो थे। अगर मेरे पास तीन चार ऑप्शन आ जाते और मैं बोलूं कि ट्रू आंसर नहीं है तो वो कुछ और ऑप्शन होते, है ना। मैं नहीं बोल सकता था कि वो यही आएगा, इनमें से भी तो कुछ हो सकता है। लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन ही लिमिटेड है कि भाई या तो ये होगा या तो वो होगा, तो जो लेकर चला वो नहीं था तो दूसरा वाला आंसर होगा। ये बात समझ में आई, यही मेथड मैं यूज करता हूं टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर, है ना। तो समझते हैं कैसे, है ना, लॉजिकली भी समझेंगे, थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है तो बोर नहीं होना है, ठीक है। चलो कैसे है भैया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं ना भाई, मैं डायरेक्ट तो इरेशनल नहीं कर सकता तो इसको रैशनल ही मान लो। सो लेट अज्यूम रूट टू इज अ रैशनल नंबर। मैंने बोला जी भैया ठीक है, इरेशनल तो नहीं, रैशनल तो है, मान के चल लेते हैं कि रैशनल है। और अगर रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन पर जाओ, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एंड ऑल्सो वहां पर एक चीज और जोड़नी है, co-prime numbers where q is not equals to 0, है ना। So, है ना, या therefore, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि भैया root 2 जो है वो कैसे लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में, where p and q are co-prime integers। इसलिए co-prime word बहुत important है, और q is not equals to 0, ये है ना, इसी का सहारा लेने वाले हैं। अगर ऐसा है तो क्यों ना इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जाएगा root 2 q is equals to p, स्क्वायरिंग कर दी, रूट पसंद नहीं स्क्वायरिंग कर दी, है ना, सॉल्यूशन के लिए तो चाहिए भाई, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो प्रेजेंटेशन मैटर करती है बहुत ज्यादा, है ना, तो साफ सुथरा लिखा करो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये जाएगा root 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे। तो अगर रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा टू, और क्यू का स्क्वायर करूंगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। कंसीडर इक्वेशन नंबर वन। और यहां पर समझना है मेरे को, मैं क्या बताना चाह रहा था, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्यों यूज हो रही है, कहां यूज हो रही है, समझो आपको। देखो ये इक्वल का साइन कब लगता है, इक्वल का साइन रिप्रेजेंट करता है दोनों बराबर, दोनों बराबर मतलब यहां अगर दो है दैट मीन्स यहां भी कहीं ना कहीं दो होगा, तो p स्क्वायर के अंदर कहीं ना कहीं दो छुपा होगा। अगर p स्क्वायर के अंदर दो है, किसी नंबर के अंदर कोई दूसरा नंबर है, मैंने बोला 12 के अंदर दो छुपा हुआ है, तो 12 दो से डिविजिबल है, पक्की बात है। तो उसी तरीके से p स्क्वायर के अंदर दो है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, अब बात को समझो, प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा भाई। तो अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो मैं ये कह सकता हूं कि पी इज डिविजिबल बाय
बात क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, है ना। अब अभी मैंने जो चीज समझाया उसी का इस्तेमाल करेंगे। देखो ना भाई, पी डिविजिबल बाय टू है, अभी मैंने बताया था ना कि कोई नंबर है ऐसे लिखा, ये डिविजिबल बाय टू है, तो टू तो इसमें है ही, इसके साथ कोई और नंबर भी होगा, तो यहां पर मैंने लेट कर लिया। अगर ये डिविजिबल बाय है तो लेट पी इज टू सी कह दिया, कोई डाउट इसमें, इसलिए हम इसको लिख देते हैं ना, तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अगर ये है तो पुट कर दिया इसको, पुट पी इज इक्वल टू टू सी इन इक्वेशन वन, ये है इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अगर इसमें मैं पुट करूंगा तो क्या वैल्यू बनेगी देखें जरा, इसमें सॉरी है ना, टू ये क्यू स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, पी की वैल्यू टू सी है, तो टू सी स्क्वायर, टू सी का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेता हूं, टू क्यू स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, टू से डिवाइड कर दिया, ये जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। देखो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला इक्वल है भाई, इक्वल है, बराबर है, यहां दो है तो ये भी दो होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं, सो इसका मतलब है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, और अगर कोई प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। अब आती है बात समझिए, है ना, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना भाई, पी डिविजिबल बाय टू, क्यू इज डिविजिबल बाय टू, दोनों नंबर डिविजिबल बाय टू, लेकिन बोथ नंबर आर को प्राइम, भाई ये तो को प्राइम थे, और को प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर वन है, बट इस वाली कंडीशन से दोनों का कॉमन फैक्टर कौन आ गया, दो आ गया, ऐसे कैसे हो गया भाई, है ना। सो क्या कह सकता हूं मैं यहां पर, या फिर सिंस सिंस पी एंड क्यू हैव टू एज अ कॉमन फैक्टर, भाई इन दोनों का कॉमन फैक्टर है कि नहीं है टू, सो देयर फोर मैं क्या कह सकता हूं, पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम नंबर, या फिर इसको हटा देते हैं ना, ये स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, चलो टाइम बचा लेते हैं ना। इसके बाद क्या ये लिख सकता हूं मैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, अपोज कर रहे हैं उस बात को, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, भाई ये तो उस वाली बात को अपोज कर रहा है कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, बट ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है ना, ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए हो सकता है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, भैया ये सब इसलिए हो रहा है तामझाम क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग करी है, जो हमने कंसिडर किया है वही गलत करा है, तभी ऐसा हो सकता है वरना नहीं हो सकता, और हमने अज्यूम किया था कि एक रैशनल नंबर है, तो भैया जो लेकर चला, समझ रहे हो, जो लेकर चला वही गलत साबित हो गया, तो ऑप्शन तो दूसरा चला जाएगा ना, देयर फोर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये था इसके लास्ट टॉपिक हमारे पास, यहां पर हमारे पास जो है ना रियल नंबर कंप्लीट होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि वैरायटीज हमको पढ़नी है। तो देखो मैं एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा पूरे चैप्टर की, और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो है ना, तो आप पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर ना, जितने भी मैक्सिमम टाइप वैरायटी बन सकती है उन पर हम बात करेंगे एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में, ये चीज क्लियर है, तो ये वाली बात पूरी नोट कर लो। देखो इसमें है ना, लेकिन समझ लेते हैं, इसमें प्लस माइनस करके भी आते हैं ना, तो उन पर भी बात करेंगे, तो उनको उन क्वेश्चंस में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, है ना, कॉन्सेप्ट आएंगे सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब देखो इसी में अगर ऐसा है, मैं इस वाले इसको तो नोट कर लो पहले ना, इसको नोट कर लो। अब देखो अगर मैं इसमें ऐसा कह दूं, मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये खत्म खत्म सब गायब,
हटा दो इसे, ये हट गया। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए बच्चे इसको ना रट लेते हैं ना, लेकिन अगर समझ जाओगे तो काफी इजी है। ये सब यहां से हटा दिया, ये लो जी, ये लो जी। वो कह देंगे रूट थ्री, कुछ चेंज किया गया मैंने नंबर को छोड़कर सब, तो रूट थ्री रैशनल, रूट थ्री पी बाई क्यू, रूट थ्री, रूट थ्री स्क्वायर करूंगा थ्री, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, पी इज डिविजिबल बाय थ्री, पी इज इक्वल टू थ्री सी, पी इज इक्वल टू थ्री सी, पुट द वैल्यू, यहां पर कितना हो जाएगा थ्री क्यू थ्री सी, दिस इज थ्री नाइन, यहां हो जाएगा थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री, थ्री है ना कॉमन फैक्टर थ्री, सो देयरफॉर रूट थ्री। लो जी, तो मतलब इसमें इसलिए ना कि अगर एक कर लिया तो सारे ऑलमोस्ट हो गए, प्लस माइनस वाले थोड़े और डिफरेंट तरीके से होते हैं, उनको हम सेपरेट जो क्वेश्चन वाली वीडियो की उसमें कंप्लीट करेंगे। आई होप अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका होगा आपका। तो फिलहाल इस वीडियो में जस्ट इतना ही है।